बैक टू माई चैनल, मैं हूँ अफरीन और आज मैं जा रही हूँ एक मेकअप कराने के लिए, मुस्लिम ब्राइडल मेकअप। हाँ, मुस्लिम ब्राइडल मेकअप। तो मेरी जो प्रीवियस वीडियो आप लोगों ने शायद देखा होगा, तो उस वीडियो में मैंने जिस लेडी से मेकअप कराया था, तो इस बार भी मैं उन्हीं से कराऊंगी मेकअप। और वीडियो कैसा होगा नहीं होगा, मतलब मेकअप कैसा होगा वो आगे ही पता चलेगा। सो लेट्स गो। और उससे पहले जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी बजा देना, क्योंकि घंटी नहीं बजाओगे तो घंटी नहीं मिलेंगे, नोटिफिकेशंस में नहीं मिलेंगे आप लोगों को। सो बहुत बकबक कर रही हूँ, सो लेट्स गो। सो गाइज, मैं यहाँ पे आ गई हूँ और अच्छे से सेट हो गई हूँ हमेशा की तरह, और अभी शुरू होने वाला है मेकअप लेडी का तांडव। सो इन्होंने पूछा कि मैं कैसी हूँ, एंड यस आई एम ओके, बट अभी तक तो ओके हूँ, बट आगे क्या होने वाला है ये तो मुझे नहीं पता, तो देखते हैं आगे मैं कैसी रहती हूँ। आपने सैनिटाइज कर लिया ना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कुछ ठीक है। बट इनका जो ग्लव्स है वो लास्ट टाइम एकदम क्लीन थी, बट अभी देखो लाल लाल धब्बे लगे हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि ये ग्लव्स पहन के किसी को खून किया गया हो। और ये जो वाइप्स वो यूज़ कर रही है वो भी मतलब क्लीन नहीं था, क्लीन वाइप्स तो दिखता है मुझे बट ये प्रॉपर क्लीन नहीं था, इसमें भी थोड़ा बहुत कुछ लगा हुआ था। मैं बहुत ही डर रही हूँ वॉर्स मेकअप के चक्कर में आज मेरा खून ना हो जाए। और होठ को देखो, ये ऐसा लग रहा है कि आज मेरा होठों का सर्जरी कर देगी घिस घिस के। तो अभी आ गए इनका स्पेशल प्राइमर, और ये प्राइमर जो है वो पानी जैसा है हमेशा की तरह। अरे बड़े मेकअप तो भले चले तो। हाँ ठीक ठाक था, इतना भी कुछ खास नहीं था, बट आपका घर पास है ना, तो रिसेप्शन के लिए मैंने आप ही को चूज किया, और थोड़ा सा डिस्काउंट भी मिल जाएगा इसीलिए। है एकदम, अनेक धन्यवाद दीदी। तुमको तो मेरे दुश्मन भी सिलेक्ट ना करे, बस मेरे व्यूअर्स को तुम्हारा दूसरा मेकअप देखना था इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। अदरवाइज अगर इस भयानक मतलब आप जैसे करते हो मेकअप, ऐसे अगर कोई मेकअप करे तो वहाँ आपको तो मतलब समझ ही सकते हो, बारात लेके सारे लोग चले जाएंगे और मेरे मम्मी पापा खुद डर जाएंगे, और बारात तो दूर की बात है। तो अभी ये मॉइस्चराइजर अप्लाई नहीं कर रही, ये मेरे ऊपर सिंपली अत्याचार कर रही है, अत्याचार। सो अभी वो करने वाली है मेरी आईब्रोज को ड्रॉ। तो दीदी तुम्हें वीडियो गुला अपलोड कोथाय करो? मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया, मतलब अभी सोच रही हूँ मैं। आपका ही दो वीडियो मैंने खाली रिकॉर्ड करके रख दिया, एक तो शादी पर्पस और दूसरा बस ऐसे ही रख दिया मैंने, अभी कुछ अपलोड करने के बारे में नहीं सोचा। आजकल तो स्मार्टफोन है जो, तो हमारे तो स्मार्टफोन तेमन नड़ाचड़ा करा है ना, যদি তুমি ভিডিও আপলোড করো তাহলে আমাকে বলো, আমি না হয় দেখার চেষ্টা করব। जब करूंगी तब जरूर बताऊंगी आपको, पहले आपको बताऊंगी। और इत दीदी, बट मुझे मार खाने का कोई शौक नहीं है, अगर ये वीडियो आपके हाथ लग गया तो आप तो मेरे ऊपर शायद केस ही ठोक दोगे एक बड़ा सा, और मुझे जेल ना हो जाए इस चक्कर में। तो या मैं आपको कभी भी नहीं बताऊंगी, आप बस अपना पैसा लो, मेकअप करो और काम ख़त्म, बस हमारा रिश्ता आज से ख़त्म। सो यहाँ बात करते करते इनका चंडाल वाला जो आईब्रोज है वो कंप्लीट हो गया है, और अभी मैं तैयार हो रही हूँ तांडव करने के लिए, तांडव। और अभी वो मेरी आंखों के ऊपर अप्लाई कर रही है कंसीलर, सॉरी कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। सो अभी वो एक क्यूट से ब्यूटी ब्लेंडर से उसको ब्लेंड कर रही है, बट अफसोस कि ठीक से वो ब्लेंड नहीं हुआ। वो ड्रेस का कलर देख लिया ना आपने अच्छे से? मैं देख नहीं थी। अभी मेरा जो लहंगा का कलर है वो उस हिसाब से उन्होंने पता नहीं कैसे देखा, मैं तो वहाँ पे थोड़ा सा रख दिया था तो अच्छे से उन्होंने देखा नहीं, बट फिर भी उन्होंने लाल आई शेडो यूज़ करना स्टार्ट कर दिया मेरी आँखों के ऊपर और नीचे भी। अभी ऐसा लग रहा है जैसे मैं नशा करके आई हूँ, एकदम आँख लाल हो गया मेरा। अच्छा दीदी, अब तो कथा बोलबो, कुछ मने पड़बो ना? तो नहीं बोली, थोड़ा सा धीरे कीजिए। तुम्ही तो मराठी के बीए करेछो ना? हाँ जी। তুমি তো মুসলিম, তো অসুবিধা হয়নি কিছু? हां थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ था, मतलब अभी सब कुछ ठीक है, इसीलिए तो रिसेप्शन में हम लोगों ने सोचा कि मुस्लिम ब्राइडल लुक लेके मुस्लिम तरीके से शादी करेंगे आज। दोनों फैमिली को तो ठीक ठाक रहना चाहिए ना। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, इतना झूठ बोलती हूँ, बट मेरा मेकअप कभी परफेक्ट होता ही नहीं है। इन वर्ड्स आर्टिस्ट के पास जब भी जाती हूँ कुछ भी अच्छा नहीं करती ये लोग, और ऊपर से मुझे कितना झूठ बोलना पड़ता है, मेरा पाप का घड़ा जो है वो भर गया है, तो पता नहीं ऊपर जाके मेरा क्या होगा। मतलब कितना झूठ कहती हूँ मैं, तो खाली आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए कहती हूँ, अब रियल लाइफ में इतना शादी थोड़ी ना मैं करती हूँ और इतना झूठ थोड़ी ना बोलती हूँ, मैं बहुत ही अच्छी लड़की हूँ, आप लोगों को शायद पता नहीं है, बट आप लोग मैं बोल रही हूँ ना, आप लोग यकीन मानो।
लाल रंग तक तो सब कुछ ठीक ही था, बट अभी जो हो रहा है मेरी आंखों में लाल पीला काला, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे काला जादू पीला जादू चल रहा है मेरी आंखों में, और मेरी सारी आंखों में मतलब मैं आंखों में खाली रंग ही रंग देख रही हूँ, चारों तरफ एकदम गार्डन गार्डन हो गया है मेरा, और अभी लग रहा है जैसे मैं हॉस्पिटल से अभी डिस्चार्ज होकर आई हूँ। तो अभी अप्लाई करने वाली है फाउंडेशन। तो जो भी हो, बहुत सारे लोगों को मैं एक चीज़ बोल बोल के एकदम फेड अप हो गई हूँ कि ये सारे जो लेडीज़ है वो घर पे बैठ के मेकअप कराती है करती है और कभी कभी बाहर जाके भी मेकअप करके देती है। ऐसे बहुत सारे लेडीज़ आजकल मार्केट में मिल जाएंगे आप लोगों को। सो प्लीज़ मुझे बार बार एक चीज़ मतलब एक कमेंट करके पकाओ मत आप लोग के ये फेक है ये है वो है। जो भी हो, आप लोगों को मन हो आप लोग देखो, अगर जिन लोगों को डाउट हो रहा है वो लोग मत देखो, ये आप लोगों के लिए नहीं है। जिन लोगों को अच्छा लगता है खाली मैं उनके लिए ही ये इतना फेस पे अत्याचार सहती हूँ, आप लोगों ये नहीं सहती हूँ, तो आप लोगों को देखने की जरूरत ही नहीं है। तो जो भी हो, अभी मैं बहुत ही भयानक दिख रही हूँ, ऐसा लग रहा है मुझे ज़ॉम्बी बनाया जा रहा है, मतलब ज़ॉम्बी ने काट लिया और मेरे अंदर थोड़ा सा ज़ॉम्बी वाली फीलिंग्स आ रही है अभी। ठीक है, दिखाई नहीं दिया, मानती हूँ इट्स ओके, बट मैंने पहले ही बोल दिया था, तो चलो कोई बात नहीं है। बट दीदी थोड़ा सा धीरे लगाओ, ऐसे आप अगर फिंगर से ऐसे ऐसे करके लगाओगे, मतलब इतना दबा रहे हो फेस को, तो जिनको कुछ क्लीन है फेस, जिनका पिंपल्स ना हो, उनको भी दर्द हो जाएगा। तो इनका बस चले तो ये मुझे वहाँ पर गला दबा के खून ही कर दे, तभी शायद इनको शांति मिलेगी। তার জন্য নাহলে আমার তো সময়ই নেই, সব কন্ট্যাক্ট আসে অনেক অনেক। পতা নেই কোন কন্ট্যাক্ট করতা হ্যাঁ আপসে ইয়ার মুঝে বতাও উনকা নাম। হ্যাঁ মানে ভি নেই সোচা থা কে ইয়াহ পে আউঙ্গি পর মুঝে লাগা কে চলো একবার पूछ लेती हूँ। अब क्या करूँ, मजबूरी में मुझे फिर से आपके पास आना पड़ा, क्योंकि मेरे जितने भी प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स हैं उनको आपका मेकअप देखना है, इसीलिए आना पड़ा, वरना मैं तो अपने दुश्मन को भी यहाँ कभी भी नहीं भेजूँगी। तो अभी बस अप्लाई कर रही है आईलाइनर। मेरे 3 बार बोलने के बाद इनका आईलाइनर जो है वो पहनाना हो गया है, बट आईशैडो की वजह से ये अच्छे से नहीं हुआ है सेट, मतलब आईशैडो का जो ब्लेंडिंग वगैरह कुछ नहीं हुआ है उसके ऊपर। आईलाइनर पहनाने के बाद अभी लग रहा है कि मेरा ऑपरेशन हुआ था थोड़ी देर पहले और मैं ऑपरेशन थिएटर से निकली हूँ। सो अभी मेरा लहंगा ज्वेलरी वगैरह जो है मैंने पहन लिया है, और हेयर को मैं हमेशा नॉर्मल रखने के कहती हूँ, क्योंकि मैं बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ। स्किन तो चलो फिर भी रिपेयर हो जाता है, बट हेयर रिपेयर कभी नहीं होता है, सब गिर जाते हैं मतलब झड़ जाते हैं, तो इसीलिए। तो अब बाकी आप लोग देख ही लो। सो अभी आ गया इनका स्पेशल टेक्निक वाला ब्लशर, जिसको लगाने के बाद ऐसा लगेंगे कि मेरे पापा 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 मेरे फेस पे 2-4 थप्पड़ चढ़ा दिया, ये थप्पड़ ब्लशर के जैसा, थप्पड़ के जैसा ब्लशर चढ़ा दिया। तो गाइस अभी आ गया इनका हाइलाइटर, और हाइलाइटर को भी इन्होंने फिंगर से चढ़ा दिया मेरे ऊपर। देखिए ड्रेस के हिसाब से आपको जो ठीक लगे कर दीजिए। सो अभी ये अप्लाई कर रही है लिक्विड मैट लिपस्टिक का जो शेड है, ये पता नहीं कौन सा शेड है, बट हाँ अच्छा ही लग रहा है, मुझे शेड पसंद आया। और लिप्स को इन्होंने कुछ ज़्यादा ही बड़ा सा कर दिया है, बट चलो ठीक है कोई बात नहीं। बट ओ माई गॉड दीदी, एक तो भूल हो गया था, दांत ना दीदी एक बार क्लीन करते होंगे। एक सेकंड के लिए ऐसा लगा कि मेरा दांत जो है वो सच में टूट गया, मैं इतना डर गई थी, मैं क्या बताऊं। मुड़े गए छे मैंने मैं कर रही हूं, ठीक है। मुझे लगा मेरे दांत निकल आ गए बाहर शायद। तुम ही कांचो के नो সামনে থেকে করলে আর এটা হতো तो जो भी हो, ये भयानक पार्ट के बाद इन्होंने एक बिंदी लगा दिया, जो जिसका साइज़ काफ़ी बड़ा है, मतलब मुस्लिम ब्राइडल मेकअप में इतना बड़ा बिंदी नहीं लगाते कोई, बट इन्होंने तो लगा दिया।
आपको जो ठीक लगे कीजिए, अब मैं तो हर रोज शादी करती नहीं हूँ, मुझे क्या पता। तो नहीं करती हो शादी, बट हाँ महीने में 2-3 बार तो शादी कर ही लेती हूँ, बट आपको क्या पता। ठीक है फिर, आपके पास दूसरी कोई बिंदी है? ठीक है कोई बात नहीं। का जो मेकअप फिक्सिंग स्प्रे है ये हर वक्त ऐसे ही लगता है, मतलब गन की जो बुलेट है बुलेट की तरह मेरे फेस पे आके लगता है। और आईलैशेस को मैंने लगाने के लिए नहीं कहा उनको, क्योंकि वैसे भी मेरे फेस पे बहुत अत्याचार हुआ है, तो आईज पे थोड़ा सा इफेक्ट हुआ था तो मैंने उसको अवॉइड किया, तो ये उसकी गलती नहीं है। तो कितना देना पड़ेगा बोलिए? 2 बार आई हूँ, मतलब उस दिन आई थी। दोबार এসেছো বলে তো তোমার ডিসকাউন্ট হবে, সেটা নিয়ে তোমার বলতে হবে না। তো তুমি দুবার এসেছো, আমি আগের বার তোমাকে 2000 টাকা নিয়েছিলাম, তো এবার তুমি 1500 টাকাই দাও, কারণ তোমার আমার জন্য তোমার 2টো ইনসিডেন্ট হয়ে গেল, তো তুমি 1500ই দাও। একদিন পর পর এসেছো না, ওই জন্য ঠিক আছে তুমি 1500 দাও, আমার তাতে প্রবলেম নেই। মুঝে লাগতা 1000 লেনা চাইয়ে, क्योंकि देखिए मैं 2 बार आई हूँ, मैं दूसरी बार भी आपके पास आऊँ। दीदी देखो आपने ना बोला तो मैं 500 कमालम, और मैं 500 कमिए दिलाम, तो ये बड़े आपने देर ही दिए दिन, नाले आपने भावो ना मैं 2-3 हज़ार पर्यंत चार्ज करी, तुम 2 बार इले तार जन्य मैं तुम्हें दिच्छी, बुझले स्पेशल डिस्काउंट। ठीक है गाइस, अभी आप लोग थोड़ा सा फाइनल लुक का मजा लीजिए। तो गाइज आई होप कि आप लोगों को मेरा ये मेकअप का फाइनल लुक बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए मतलब मेकअप नहीं मैं अगर पसंद आई तो एक लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस करना, वरना आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू।